की ये आंदोलन को बाबा साहेब अम्बेडकर बिरसा मुंडा की सिद्धांत पर लेकर उन्होंने पॉलिसी बनाई, नीति बनाई, ऐसे नीति बनाई कि झारखंड में आदिवासी कैसे राजा बनेगा। संविधान में 5वां अनुसूची का इतना प्रबल कानून रहते हुए भी झारखंड के आदिवासी गरीब क्यों है, पलायन क्यों हो रहा है, विस्थापन क्यों हो रहा है, उनके प्रति जो मूलभूत अधिकार है जल जंगल जमीन का उनको मिल क्यों नहीं रहा है। और इस बार दीवान विजय मानकर साहब आज भारत के जितने भी राजनीतिज्ञ हैं आज आदिवासी समाज के प्रति सच्ची दिल सच्ची निष्ठा और उनके जीवन को समर्पित किया है। आज एपीआई लाइए तो झारखंड में आदिवासी राज लाइए कि नारा आज दीवान विजय मानकर साहब दिया है, तो उनको हम लोग सुनेंगे। आज इसी मंच से उलू गुलान गुलान की धरती से दीवान विजय मानकर साहब को हम लोग ज्यादा से ज्यादा सुनेंगे। ये वीर भूमि रहा है और इस वीर भूमि से बिरसा मुंडा और बाबा साहेब अम्बेडकर के जो जज्बा और बुद्धिमत्ता को लेकर आज मानकर साहब पूरा झारखंड के ही नहीं पूरा भारत के तमाम शोषणकारी नेताओं को आज ललकारेंगे। धन्यवाद। अलीन सरायकेला विधानसभा पाए थे अम्बेडकर पार्टी पाए थे उम्मीदवार में अलीम होना विश्व विजय मार्डी जागे वीर गुरु गाड़ा जपा कुटी तेब हजू सेटर तेबाकना बो पूरे दो काली कजिए ना सार तकिन किन हजूकना इमिन साइनिंग हो रहा तेबा कहते सबन को इकिर जीवन ते जवार ओडो निकिन गे मारंग साहेब तकिन किन जागार मास्का लबोना ओडो ना दो आलबो चकाडो का बनते धीरी दारू होते अब देशावली सबन लेकिन अब सांस्कृतिक व्यवस्था को तो निकु को चबाए संवैधानिक रूम ते तो निकु काको सेसेना सेन काको आता ना संविधान को चबाए था ना एना चील के ते बचाओ आ अब पारंपरिक व्यवस्था आया रहते गए 70-73 साल ते जो अब शोषित दलित पीड़ित बिना पुए पूरे दो कालिंग जगारिया अलिंग पाए थे सोबेन को गए इकीर जीवन ते जोहर और जाना गलती जुदी हुआ होता ना इंद इना को अलिंग इकलिंग को जोहर सलाम को जोहर। दूसरा चैलेंज मोदी जी को किया है, क्या मोदी जी को किया है, मोदी जी को यह चैलेंज किया है जब मोदी जी प्रधानमंत्री बन रहे थे। प्रधानमंत्री बनने के बाद मैंने एक बात कही थी, ये लोग कहते हैं कि जंगल में जो आदिवासी है वो गिरिजन है उसको समझ नहीं है, ये ऐसे लोग कहते हैं। कौन दिल्ली में बैठे वाले इलाहाबाद में बैठते हैं ना जो लोग पूरी में पंडा लोग बैठते हैं वो लोग ऐसे कहते हैं आदिवासी को समझ नहीं है। मैंने कहा कि भाई आदिवासी से ज्यादा समझदार दुनिया में और कोई नहीं है। क्यों नहीं है? जिसने पहली बार प्रकृति को समझा, जिसने पहली बार इंसान इंसान को समझा, वो उससे बड़ा समझदार और विज्ञानवादी और कोई नहीं हो सकता है। मेरे लिहाज से आदिवासी ये दुनिया का सबसे पहला समझदार इंसान है, पहला वो इंसान है जिसने इंसानियत को सिखाया है। लेकिन आप लोग उधर इलाहाबाद में जब वाराणसी में पुरी में बैठ के फालतू बातें करते हो, कोई बात नहीं। तो आपने आदिवासियों को कहा कि ये समझदार नहीं है, तो मैं आपकी डिग्री चेक करना चाह रहा हूँ। किसकी चेक करना चाह रहा हूँ? मोदी जी की। और मैं इसलिए चेक कर सकता हूँ कि मोदी की पूरी कैबिनेट मंत्री भी आ जाए, पूरी बीजेपी की गवर्नमेंट भी आ जाए, तो विजय मानकर का मुकाबला वो नहीं कर सकते, ये बात मैं कह रहा हूँ।